और एक मिथिलानी बोले आप अवध से मिथिला में आए और बिना चिट्ठी के आए, बिना पत्रिका के आए, हमने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है, आप आ गए। धनु से अग्र सोने क्या है उमंग में, बिना पत्रिका के आप आ गए, विश्वामित्र जी के साथ आ गए और बाबा के साथ कमंडल लेकर ढूंढ रहे हो। महाराज विवाहित के चक्कर में आप कमंडलधारी बनकर आ गए। मिथिलानिया कह रही है, लखनलाल जी कहते हैं मान लो, क्या मान ले, मान लो हम और हमारे राम जी बिना चिट्ठी के आ गए तो यह तो मेरे प्रभु की करुणा है, ये तो उनका स्वभाव है। आज लखनलाल जी कह रहे हैं आपको मालूम है, अरे मिथिलानियों जब प्रभु आ रहे थे ना तो मार्ग में अहिल्या को उद्धार किया है। मिथिलानिया जवाब देती है, मग में मुनि भी है मध्य शिलाती काम है कि मदारी का काम है। आपने पत्थर से स्त्री प्रकट करी, ये काम तो मदारी का। लखनलाल जी कहते हैं भूल गई हमारे राम जी के रूप को देख करके आप सबकी सब पागल हो गई थे, आप सब दीवानी हो गई थी। तो एक मिथिलानी बोली, माना कोई छिमाही परीक्षा में पास हो जाए, अर्धवार्षिक में अवार्षिक में फेल हो जाए तो उसे फेल मानते। कैसे Bye.
लेकिन परिणाम क्या हुआ, जब जानकी जी को देखा कुछ वटिका में तो पसीना आ गया। लखनलाल जी बोले, हमारे लखनलाल जी कहते हैं, राम जी कितने उदार हैं आपको मालूम नहीं है। मिथिलानी बोली, ये भी हमने सुना था, कितने उदार हैं। दाने सिरो बड़े महिमा का बल, उनका पराक्रम कितना है। तो आज मिथिलानिया कह रही है, बलशाले कहा जग जस गाले, बलशाले कहा जग जस गाले, बलशाले कहा जग जस गाले, मिथिलानिया बोली, जिनको पुष्प चुनने में पसीना आ रहा हो धनुष पे से तोड़ेंगे, और तोड़ा है तो कोई गवाह लाओ, कोई नहीं है तो एक बार राम जी ही कह दें हमने धनुष तोड़ा है। लखन जी बोले, सरकार बोल दो आपने धनुष तोड़ा है। राम जी बोले, हमने नहीं तोड़ा है धनुष,
क्यों बोले छुवत टूट फिनाक पुराना तो अपने आप टूट गया। आज मिथिलानियों से फिर लखनलाल जी बोले धनुष नहीं तोड़ा तो आपने माला क्यों पहनाई, जय माला क्यों पहनाई। मिथिलानिया बोली जिसे आप जयमाला कहते ना उसे हम हार कहते हैं, और हार जो है ना सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है, तो राम जी ने सिर झुकाकर के हार पहना है। मिथिलानिया कह रही है और क्या कहा, जो चाहे वो माने ना और करी गाली हमने क्यों दी क्यों दी। आज मिथिलानिया कह रही है क्षमा हो जो तेरा क्या कह रही मिथिलानी।